जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं APJ अब्दुल कलाम पर आसान शब्दों में निबंध। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, अभियंता और 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। उनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जनुलाबद्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता का नाम जनुलाबद्दीन और माता का नाम असिम्मा था। इनके पिता जनुलाबद्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और इनकी माता एक गृहिणी थी। 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। कलाम ने मिशन के तहत अग्नि और पृथ्वी सहित कई सफल मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक में मीडिया कवरेज ने उन्हें भारत का प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बना दिया, जिसने उन्हें मिसाइल मैन का नाम दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वह भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके महान कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 27 जुलाई 2015 को अपने जीवन की अंतिम सांस ली। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को मेरा कोटि कोटि नमन।